तो पिछली वीडियो में आपने देखा मेरा सेमीफाइनल राउंड होने वाला था, जिसके लिए हम अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह नोएडा फिल्म सिटी को निकल गए थे। वहाँ जाके हमने अपना रैम देखा जो था हमारा, उसके बाद हमने करी उस रैम में थोड़ी प्रैक्टिस, उसके बाद थोड़ा फन करने के बाद हमने मेकअप करा के अपने रैम्प वॉक के लिए प्रिपरेशन कर दी। रैम्प वॉक होने के बाद रिजल्ट आया और हमारा फाइनल में सिलेक्शन हो गया था। अब आगे सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मेरे मॉडलिंग कॉम्पिटिशन का फाइनल होने वाला है। हम 4 दिन पहले यहाँ आ गए थे, हमारी ग्रूमिंग क्लासेस हुई, हमारा टैलेंट राउंड हुआ, हमारा सेमीफाइनल्स हुआ और आज फाइनल है हमारा। हम 15 बंदे सेलेक्ट हुए हैं फाइनल का। बाकी फाइनल का सीन तो जो भी रहता है, फिलहाल हमें जाना है ब्रेकफास्ट करने सुबह के 8 बजे और थोड़ा 2-4 दिन शेड्यूल भी हेक्टिक चल रहा है। बाकी हमें अभी ब्रेकफास्ट करके फिर जाना है नोएडा फिल्म सिटी, वहाँ हमारी प्रैक्टिस होगी। बाकी रूम देख सकते हो तुम और अभी जाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब 10:30 बजे हमें यहाँ से निकलना है फिल्म सिटी को, बता दिया गया है। और अपना सामान लेके निकलना है, जो भी सामान है हमारा। बाकी पीछे हैं हमारे भाई और वो भी तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार होता हूँ, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं हम फिल्म सिटी को। बाकी आज का सीन तो ऐसा ही है। तो फाइनली तैयार हो गया मैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी को फाइनल के लिए। अपने पहले प्रैक्टिस होगी फिर फाइनल होगा उधर, और काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा था, कुछ टाइम नहीं मिला मेरे को बीच में ब्लॉक करने का, हेक्टिक चल रहा थोड़ा हुआ सीन। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं, बता दूँगा जब बस बैठते हैं। ये हैं अपने टीचर और बाकी इधर सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए, बस निकल ही रहे हैं। ये लगी है बस। कहाँ से हैं सर आप, अपने बारे में बताइए थोड़ा। शिलोंग से हूँ साहब। हेलो गाइस, फ्रॉम शिलोंग। पहुँच चुके हैं हम फिल्म सिटी में और होने वाला है आज हमारा फाइनल। अभी प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। टुडे इज द फाइनल डे, सो वी आर एक्साइटमेंट इन लाइक अ फर्स्ट डे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सभी को। कमाल की चीज मिली है मुझे, कमाल खा जैसे कि वो लेके आई मैडम। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, ये तो जरूर लेनी पड़ेगी। बहुत सही चीज है गाइस, ये पंखा एकदम मस्त हवा आ रही है इससे। ये लूंगा गाइस मैं। मिल रहे हैं हमें डिजाइनर कपड़े जो कि आए हैं, देख सकते हो सबके अपने अपने कपड़े हैं। ये मिल गए अपने कपड़े, ये दूसरी वॉक के लिए, इससे पहले जो दूसरे डिजाइनर के उसके कपड़े, ये दूसरे डिजाइनर के, और लास्ट वाली वॉक में हमें कल का एक ब्लैक सूट पहनना है। मेरा आउटफिट कैजुअल था और सबके अपने अपने कैजुअल आउटफिट्स हैं। रॉकी भाई और ये है रॉकी भाई का आउटफिट, बाकी कैजुअल हो गए हैं, मज़ा आने वाला है। ऑल द बेस्ट। फिर ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर मंगाया था हमने, साथ भाई संदीप भाई उनको हाथ के बाल निकालने थे, तो इसलिए हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है यहाँ पे हेयर रिमूवल क्रीम, क्योंकि हाफ शर्ट दे रहे हैं तो स्लीव पूरे दिख रहे तो बाल ना दिखे। संदीप भाई ऑन इंस्टेंट यू ऑर्डर दिस फॉर मी, ब्लिंकिट से मंगाया हमने। वेरी गुड इंग्लिश सोनू भाई। हेयर रिमूव करने के लिए लगा लिया है हमने भाई का हेयर रिमूवल वैक्स। Even like underarm also, I did this fast time because I'm from Shillong, Meghalaya. So no sweating problem is there that much. So like this is. Well, that English is enough. That much English is enough. Some words in Punjabi, you know. Okay, Punjabi or Hindi? Punjabi. मैं Shillong चो वहाँ थे, इन्ना मिन्नो means पसीने दी कोई problem नहीं हिंदी। आह वरने इतने अपना है ना profession. बाकी अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस होगी हमारी और उसके बाद फिर मेकअप, फिर शो, फिर फाइनल, और क्या पता मैं ही विनर हूँ, जीता नहीं तो डालूंगा इन वीडियो। बाल निकाल जाए गाइस, हेयर रिमूवल। प्रसून बुटीक ओपनिंग जोन है ना, तरंग लाई और बाल वाल पूरे रिमूव हो चुके हैं अब नहीं लगता है। लंच चल रहा है हमारे यहाँ पे और सेटअप हो चुका है सब, और लोग भी, ऑडियंस भी आ गई है। बस थोड़ी देर में शो शुरू होगा, हमारा नहीं होगा अभी, पहले इनकी अवार्ड सेरेमनी है उसके बाद हमारा शो शुरू होगा। फिलहाल ड्रीम्स अवार्ड शो चल रहा है जो ड्रीम्स प्रोडक्शन वालों का ही है, और इसमें आई है नेहा दुपिया, हाँ इनका अवार्ड शो चल रहा है। और उसके बाद अवार्ड शो के बाद हमारी प्रैक्टिस होगी और फिर रात को हमारा फिनाले है। अभी तो अवार्ड शो ख़त्म हो गया है और देख सकते हो सबको अपना अपने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज मिल गए हैं, और वहाँ पे फोटोशूट करा रहे हैं एक दूसरे के साथ और नेहा दुपिया के साथ। तो आ गया हमारा प्रैक्टिस का टाइम, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। बाकी माहौल स्टेज देख सकते हो तुम, और पीछे यहाँ पे जजेस बैठेंगे और कैमरा, बाकी पीछे सेटअप वेटअप सब होगा, स्पीकर बगल में है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, हमेशा की तरह लड़कियां पहले। दोस्तों टैग नंबर मिल चुके हैं हमें, बाय द वे गाइस 7वां नंबर धोनी का होता है, 7वां नंबर लकी नंबर होता है, उसकी बर्थ डेट भी साथ है। सर अपना नंबर दिखाइए। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस के लिए खड़े हो गए हम। तो प्रैक्टिस खत्म हो गई है, अब चेंजिंग करने का टाइम आ गया, डिजाइनर कपड़े मिलने। अरे अब चेंज करने का टाइम आ गया, हमें चेंज करेंगे कपड़े। इसके बाद हमारा पहला राउंड है, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, तीनों राउंडों में चेंज करना है, मेकअप भी होगा, मिल जाएंगे। हो गया मेकअप फाइनली, अब तैयार हो जाते हैं। तैयार हो चुके हैं, मेकअप कर लिया है, बाल भी थोड़े बना लिए मैंने, और ड्रेस पहन लिया डिजाइनर। आगे थोड़ी देर में हमारा शो, इंतजार कर रहे हैं आप शो के लिए। There is an adrenaline rush in me. You can feel that in my voice. So all the guys are looking amazing. There's going to be a tough competition, but I wish the best man wins the show. आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। Hello guys. तो guys ये है मेरा OOTD outfit of the day first round के लिए। भी है मिस्टर पाजी और सब तैयार है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट टू मी। फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड जा रहे हैं हम, राखी भाई भी हमारे साथ, ठीक है रूम में हम पार देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। पहला राउंड हो गया हमारा, अब दूसरे के लिए मैं तैयार हूँ, दूसरे के लिए जा रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू मी, मिलते हैं राउंड के बाद। एकदम रश में हुआ सब, तो बना ब्लॉग नहीं बना पाया। दो राउंड हो गए हैं, अब तीसरे राउंड के लिए चेंज करना है, और दूसरे राउंड में मजा आया काफी। टोट बैग भी लिया था मैंने अपने साथ, कैजुअल लुक था इसलिए। और ये हमारे डिजाइनर हैं जिन्होंने हमारी पहले उसकी ड्रेस बनाई थी। तीसरा राउंड भी हो गया, तीसरा राउंड भी बहुत सही वॉक हुई मेरी। बाकी थोड़ा सा एक आपस में कंफ्यूजन हो गया था टीममेट के साथ, जिनके साथ वॉक करनी थी। बाकी वॉक तो मैंने बढ़िया करी थी, लेट्स सी क्या होता है आगे। बाकी अभी टॉप 5 या टॉप 7 सेलेक्ट होंगे, जो भी होगा लेट्स सी। मेरे को लग रहा है मैं हो जाऊंगा, बाकी लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। आने वाला रिजल्ट का इंतजार। फाइनल रिजल्ट आ गया गाइस, और अवार्ड जीत चुके हैं, दो अवार्ड मिले मुझे। यहाँ पे हमारे साथ सेकंड रनर अप भाई, फर्स्ट विनर ना, फर्स्ट रनर में विनर वो है हरियाणा वाला, जयगुआर वाला। और ये है क्या मिला तुम्हें? बेस्ट ड्रेसअप का अवार्ड मिला है भाई को। और बाकी मजा आया, अभी रूम पे आते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है अभी, और 12 से ज्यादा बज गए। बाकी खाना वाना खा के रूम पे जाते हैं। बैग हमने गाड़ी में रख दिए, अभी हमें डिनर करने जाना है, बहुत रश में चल रहा है सब कुछ। और सुबह से मैंने खाना नहीं खाया था कि पेट ना बाहर आ जाए, बट फाइनली आई विल गो फॉर फूड। अब खाएंगे दबा के, और इसके बाद रूम पे जाना है, सोना है। हम वापस होटल में जीत के, और ये देखिए चैंपियन भाई उनका, और यहाँ हमारे साथ जश्न भाई भी हैं। अरे हाय 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 एवरीवन, अभी बाकी लोग भी आ रहे हैं, और अपना कमरा। तो रूम पे हम पहुंच गए थे, अब जा रहे हैं हम सोने, और मैं जीते, मेरे को दो अवार्ड मिले मुझे, मिस्टर इंडिया का रनर अप मिला, फर्स्ट रनर अप, और दूसरा बेस्ट स्मेल का अवार्ड मिला मुझे, और मुझे मिला एक रनर अप का मिला, और एक बेस्ट। तो दो अवार्ड मिले भाई को अभी, और हमको दो अवार्ड मिले हैं। बाकी अभी हम जा रहे सोने, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और कल वापस भी जाना है। तो दैट्स ऑल, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। इसको उठाओ, ओए ओए रमन, रमन, रमन से ट्रॉफी मिल रही है, बस आने की ट्रॉफी ले ले। चल ठीक है भाई, टोंडे चल ठीक है लड़के, बाय बाय, मिलते चल, बाय बाय। नाम तो बता प्रसून, ठीक है, ना ना ना, NBA।